रहे हैं। और एक और एक और यार, सब खुश हैं मुझसे मिलकर। ये उसके लिए किसी ने मुझे भेजा है गिफ्ट, अंगूर के लिए। चल सकते हैं, दे सकते हैं उसको। और ये नानो के लिए भी दवाइयाँ भेजी, डॉक्टर रविंदर री और रीमा उनकी मिसेज। हे थोड़ा डल है, थोड़ी डल थोड़ा सा लो गिफ्ट है। नहीं नाना सर, अरे अरे मैं उसको भूख लग रही है थोड़ी। गुड गर्ल, क्यूट। मैंने आज सुबह पढ़ा, पता है कि हम अपने आप को बड़ा सोचते हैं ना कि हम मतलब कि पृथ्वी के हीरो हैं, इंसान जो हैं। कई जो प्राइमेट्स हैं इनके नंबर्स याद रखने की कैपेबिलिटी हमसे बेहतर है। अच्छा, मतलब मैथ में तेज होते हैं। ये तो थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट हो जाएगी ना, बिकॉज वो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह तो नहीं कर पाएंगे। खुद खा रहा है क्योंकि तुमने अगली बार बोला ना खुद खा रहा है। खा रही है। अच्छा, खुद खा रही है। नहीं सर, बंदर बंदर ही बोला जाता ना, मतलब बंदरिया। बच्चे ठंडा है तो ऊपर चल। बंदरिया बोलते थे हाँ, बट पर ये तो लंगूर है। लंगूरिया देख कैसी लग रही है तू खाते हुए। चिल्लोगे खा रही है। स्ट्रगल्स। इस पे तुमने मीम डाला ना, फिर देखना। ओके, ये घाव करके स्प्रे। नाइस यार, नाइस, बड़े सारे हैं। हे, मेरे लिए पर्सनल हैंड रिटन लेटर्स भी हैं इसमें। कल तो डॉग हम जल्दी से लेकर आए हैं। वायर ट्रैप जो आप कह रहे हैं? नहीं सर, वायर ट्रैप नहीं, जो मदर डॉग आई है जिसके पांच बच्चे हैं साथ में, तो उसका कल हमने कंप्लीट चेकअप करवा लिया, ब्लड टेस्ट भी करवा लिया। उसको कुछ नर्व इशू ही है, बाकी ब्लड लेवल्स में कोई ऐसे सच प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी है। वो दिखती नहीं है। हां, उधर रखा है अभी सर क्यू कैनल में, क्योंकि केज तोड़ रही है ऊपर। अरे देखना, जरा सा पिल्ला है, इसे धमका रहा है मुझे। पिल्ला बैड वर्ड है क्या? नहीं, बोल सकते हैं ना। I don't know, कई चीजें हिंदी में जस्ट बैड लगती हैं। लगती जैसे पिल्ला इज द हिंदी वर्ड, या फीमेल डॉग को हिंदी में बोलना बड़ा ऐसे लगता है कि वो है। खैर, तो अब इसका सीन क्या है? एक पर्सन है टैक्सी ड्राइवर, उन्होंने अग्री तो किया है इसको रखने के लिए अपने घर में। बच्चे रहेंगे तो माँ ज्यादा नहीं जाएगी वहाँ से कहीं। हाँ। और वहीं पे हम रेगुलर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डॉग्स एक्सपर्ट रिसाइकलर होते हैं। आई मीन, वो पूप करेंगे, खाएंगे, प्यूप करेंगे, खाएंगे, एंड ऑन इट गोज। एक और चीज मैं डॉग्स कह रहे हैं बताना चाहूंगा। कई लोग कहते हैं अरे डॉग्स तो कार्निवोर होते हैं, डॉग्स ओमनीवोर होते हैं, वो दोनों चीज खा सकते हैं, पर वो ऑब्लिगेट कार्निवोर नहीं होते। जैसे बिल्लियां होती हैं, तो बिल्लियों को तो नॉनवेज चाहिए ही चाहिए, लेकिन डॉग्स बिना नॉनवेज के पूरी जिंदगी हेल्दी काट सकते हैं और काट ही रहे हैं। कल रात को मुझे सपने में पता क्या आया, पता नहीं कल किसी ने मुझे बताया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी ख़राब हो गई है, ये वो आटा महंगा हो गया है, वहाँ पे जो एनिमल रेस्क्यूअर हैं उनकी हालत ख़राब होगी। तभी मैंने एक जो एनिमल रेस्क्यूअर जिनको मैं जानता हूँ, JFK एनिमल रेस्क्यू, उन्हें पिंग किया। क्या क्या अंधेरे लोग डील करते हैं। मैं कर लूँ शूट। नहीं ना, प्लीज अंडरटेकर, बस मुझे करता है वो परेशान। अपने क्या मजा आता है इसको परेशान करने में। रुक जा।
वहाँ पे ये थोड़ा स्ट्रेस में हमने खुद का पैर उसने इंजरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा ली थी जिसमें हमें एम्पलीट करना पड़ा इसका पैर और मेरी बिल्लियों के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करेगा थोड़ा ठीक रहेगा इसलिए इसको यहाँ पर लेके आया। कभी संतरे कभी केले कभी गाजर हैं सीधी रोटी खा। ये टुकड़े छोड़ने का क्या मतलब है बेटा? सॉरी ये तो मैंने झूठे छोड़े, मैं झूठी चीज़ें नहीं खाता। लो मेरे भूखा है तू नहीं बाहर आके दो यहाँ पर दो। Good girl. थोड़ा बहुत रिएक्ट करती है कोको को देख के। कोको जब अगर उसकी रोटी छीनने की कोशिश करे तो उसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे करेगी या डराएगी। एनिमल एरिया में ही रहती है ताकि इसकी ड्रेसिंग हो जाए और धूप में ये थोड़ा देर रहे और उसके बाद शाम को उसको वापस लेके आती हूँ मैं यहाँ पे। ये ठीक बिहेव कर रहा है तुम्हारे घर में? मैंने जेंडर गलत कर दिया इसका। इसने केला खाना शुरू कर दिया। Nice. रुकोगी? अभी कल परसों तक तो सिर्फ ये संतरे की डाइट पे थी ना। हाँ, गाजर खा रही है, रस खा रही है। रस तो इससे खींच खींच के वो मुर्गे भी खा रहे हैं। हाँ, इसलिए मैंने इसको अंदर की तरफ देना शुरू कर दिया। और घर में भी बहुत इसको ऐसा चाहिए कुछ ना कुछ हाथ में होना ना इसको एनी टाइम। इसको टेडी भी दिया हुआ है तुमने? हाँ। और इसके फ्यूचर्स अच्छे से हील हो रहे हैं? कुछ ठीक है। ये काट नहीं रही ना बिल्कुल भी। अब नहीं काटता इसको आके ऐसे टपली। रोटी लेगी तुम? बाहर मुंह निकाल के सिगरेट पी रहा था। वो जो पांच बच्चों की अम्मा है जिसका नाम नहीं रखा भी हमने, उसको रिलीज करें? उसको रिलीज करना ही बेटर है ना। वो कैनल में शांत रह रही है ना, वो केज में शांत रह रही है। और जैसे ही मौका मिलता है खाना रखने में जाओ तो भी वो भागने की कोशिश करती है ना। और साथ चाहिए ना प्लास्टिक वाले? मेरा रिलीज नहीं हो रहा है। मेरी तरफ कैमरा करे जा रहा हो गया। गुरु भाई गुरु ये पा कॉलर पा। क्या डाकू बनेगा यार तू? तो अब इसका ट्रीटमेंट हो गया ज्योतिपुरा? हाँ हाँ ये चल रही है, दौड़ रही है एक्चुअली और दौड़ दौड़ के भागने की कोशिश कर रही है। तो फिर हम इसको रिलीज कर रहे हैं और बच्चों को यहाँ पर अडॉप्शन के लिए रख रहे हैं। उसके बच्चों को जिन्होंने अडॉप्ट करने का वादा किया था वो नहीं एक तो ले रहे हैं लेकिन बाकी का नहीं हो पा रहा है। पहले हम कोशिश कर लेते हैं थोड़ा। कल इन्होंने दानू को रिलीज कर दिया, मेरी छुट्टी थी तो बनाना बोल दिया। नहीं समझ आया उसको, केला बोलने से समझ आ रहा है। केला वो जाके वहाँ बैठ गया पर फिर यही है सुबह साहिल ने फोन किया है तो पता लगा कि खड़ा हो गया है। जिद्दी है वो पर उसका फॉलो अप करते रहना। तो बता रहे थे कि वहाँ वो बचपन से रह रहा है तो रहता रहेगा। फिर यही है अगर दिक्कत होगी तो यहाँ ले आएंगे। हर बार ये डिसीजन लेना पड़ता है और हर बार थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करनी पड़ेगी ना। फिर जैसे सर ने प्रॉमिस किया है कि सर इसको हालत बनाएंगे, देख लो पहले कैसे बनानी है। बस अच्छा ये अब कैसे आएगी तू? मैडम मुँह में लगा के दो उसको खाना। इस वक्त प्रिंसेस अगर तुमने वो कल वाला इंसिडेंट यूज किया है देख लेना। कौन सा इंसिडेंट? अरे कल हम लोग लंच के थोड़ी देर बाद मैं और राधे कुछ बात कर रहे थे और हम हंस रहे थे उधर पे। फिर ये आ गए शूट करते, मैंने बोला हम गॉसिप कर रहे हैं तुम बंद करो करके। फिर मैंने बोला वैसे तुम जल्दी जाओ, डॉग ज्यादा देर ठहरेगी नहीं वहाँ पर ना करके। हाँ। और तुम जाओ आगे बढ़ो ऑक्यूपेशन में, वो कुत्ती ज्यादा देर टिकेगी नहीं। कोई बात नहीं इसमें ओरे ओरे ये तेरी गलती है राजा। ठीक है गुड बॉय राजा बॉय। देखो ह्यूमिलिएशन हुई ना, ह्यूमिलिएशन हुई
और बेल के स्टेपल्स या स्टेपल्स से स्टिचेस से वो भी हट गए ना. ओके गुड. तो वो रिलीज एक दो दिन रुक गया है ना. मौसम भी ठीक हो जाए और थोड़े स्कैब बन जाते हैं ना. सो वो जो स्टेपल्स निकले उसके जो गड्ढे होंगे वो थोड़े से भर जाए फिर छोड़ देंगे. कहाँ था इसका ट्यूमर दीदी? ये तो बढ़िया हील हो गया. अच्छे से करवाया इसने इलाज? बिल्कुल से करा नहीं है ना. ओके बेल तेरी छुट्टियाँ खत्म हो गई. ज़्यादा वो करती है. अब तेरी घर वापसी है. मेरे एक फेवर करना आज फिर वो दानू का हाल चाल पूछ लेना. ठीक है. थोड़ा मौसम भी ऐसा है ना. मेरे को जस्ट लग रहा है यार वो जस्ट. मैंने आपको कल भी बोला था अगर आपको लग रहा है आपके मन में मत रखो आप फिर उसको बुला लो. तो उसको बुला लेते हैं तो उसको अगर जैसे आपको टाइम मिलता है ना और जब आप लोग चले जाओगे तो दानू यहाँ आगे आ जाएगा क्योंकि दानू टोफू सरगम वो फ्रेंडली है ना भाई. फ्रेंडली गाय बैल इसलिए चाहिए. यहाँ अंग्रेज भी विजिट पे आते हैं. अंग्रेज कुत्ते खाते नहीं गाय बैल खा जाते हैं तो फिर वो देखेंगे कि भाई ये भी तो कुत्ते जैसा फ्रेंडली है इसको भी ना खाएं. तुम आपस में लड़ते हो ना. तुम आपस में लड़ते हो इसलिए लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं जैसा हमारे देश में हो रहा है. हम लोग आपस में लड़ते हैं और ये नेता लोग फायदा उठाते हैं इसका. I love you too. साहिल रविंदर को कहेगा कि अभी वो एक सेकंड ना काटे 5 मिनट. गिन्नी का मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं लगता कि अभी पॉसिबल है क्योंकि गिन्नी के पहले हमारे पास 5-6 पपी है और उसके बाद हमारे पास कद्दू है जिलमिल है. गिन्नी धनौटू की है ना? हाँ. ठीक है करो रिलीज. गिन्नी रिलीज हो रही है ना आज. चल बैठ भाई. गिन्नी को रिलीज करके आए हैं. तो उसको हमने पट्टा क्यों नहीं पहना रखा था पीपल फार्म का? छोटी है वो ना. जैसे बड़ी होगी तो उसका जो कॉलर है वो पूरा टाइट हो जाएगा तो उसको फिर रोड पे खोलने वाला कोई नहीं होगा इसलिए उसको नहीं पहनाया. गिन्नी आई थी चल भी नहीं सकती थी और बहुत ही अच्छी रिकवरी हुई उसकी. अब भाग लेती है. ये ले लो पहले. पता था क्या जब चंबी के वो बच्चे है ना हमारे पास उसकी माँ आ गई और मेरे को पता था वो आएगी. लो वो जो अभी अभी जिसकी बात हो रही थी रविंदर को बोला है 5-10 मिनट रुकने को. अरे मैंने आज एक बड़ी सही स्टोरी सुनी गुस्से के बारे में कि गुस्सा ऐसा है कि जैसे कि आप पे किसी ने तेल डाल के आग लगा दी हो. ठीक है तो आप पहले अपने आप को बुझाओगे या उसको पकड़ोगे? है ना अपने को बुझाओगे ना. लेकिन जब हमें गुस्सा चढ़ता है तो हम अपने को कंट्रोल करने के बजाय जिसने चढ़ाया होता है मन करता है कि उसका जाके गला दबा दे. दिख रही है? नहीं अंदर ही गली से पूरा. वो तो बच्चों के लिए आ रही है ना. वो तो बच्चों के लिए आ रही है. हम चंबी में इंतजाम कर दे बच्चों के लिए. वो जो बंदा है ना जो अडॉप्ट करने को तैयार था उसको को थोड़े टाइम के लिए वो रख ले सबको और हम वहाँ से अडॉप्ट कर दे उसको को फॉस्टर कर ले. ठीक है वो कह रहा है कि मेरे को तेरी गोदी में आना है. गोदी में नहीं आना उसको कुछ भी होना सामने पकड़ने का. एक सेकंड मत कर तू ऐसे. इसकी टेबल पे रख के ना करने से हाँ तू तो पकड़ेगी चीजें. बैंडेज पे इसकी पूंछ पकड़ो पहले. चलो डॉक्टर साहब कह रहे हैं पूंछ से ज्यादा खतरा है इसकी. ये ले ले. अगर तू तो उठ जाएगा बड़ी मेहरबानी होगी तेरी ना. पकड़ पूंछ तू एक बार. तो तू गिरा रही है. इस बार तो पैर से गिरा है हाथ से लेके. एक सेकंड बच्चा. वो भी कह रहा है जी डॉक्टर साहब. कैमरा दूर रखो ना. कह रही है कैमरा सेल्फी ले रही है. हेलो हेलो कर हेलो कर हेलो कर. साहिल पापा आ जा. छूटी अगर ये नहीं छूटेगी है ना ऐसे जब फिर डाल जब फिर डाल. ये चंबी से दूध पिलाने आई है. दे आई बच्चों ये भी आधा घंटे पहले आई थी जब इसको पकड़ने गए तो ये भाग गई. अच्छा फिर अभी द्वार आई हम बच्चों को लेके जा रहे थे तो आ गई फिर हमने गेट खोला ये डायरेक्ट सीधे अंदर आ गई केज में आके बैठ गई. पकने की जरूरत नहीं पड़ी. चंबी से अपनी स्मेल करते सूंघते सूंघते आ गई माँ शक्ति. ज्योति आई है बताने.
जल्दी खुद ही बता देगी। गिन्ने जिस कौर सुबह रिलीज किया था ना वो वापस आ गई है और पीछे वाले काउशेड में आराम से बैठी हुई है। जाओ शूट कर लो तुम जाके। पहले सुबह एक वो पांच बच्चों की माँ वापस आई है। हाँ। गिन्नी वापस आई है। ये क्या हो रहा है सर? हमारी फैसिलिटीज इतनी वो है ना, 5-star ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। बढ़िया। मतलब गिन्नी इसलिए वापस आई हूँ, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। तो और क्या, तुम बताओ तुम्हें क्या? मदर का मेरे को अभी भी डर लग रहा है क्योंकि जो उसके बच्चे हैं उसमें से 4 बच्चे अडॉप्ट हो गए, 2 यहाँ हो गए और 2 वहाँ हो गए। छोड़ते ही वहाँ पर रिलीज करने गए थे तो वहाँ पर ही लोगों ने ले लिया। अभी एक ही है उसके पास तो एक है ना, एक है। वो जब एक अडॉप्ट होगा वो यहाँ आ जाएगी। नहीं वो बच्चों के चक्कर में आई थी वैसे, वो तो यहाँ पे टिकना हाँ, नहीं चाह रही थी। पर ये गिन्नी तो दो चपेड़े लगा के सबको रिलीज किया गया। कहाँ बच्चे, क्यों नहीं जाना है? सही भाई वापस कैसे आ गई? कैसे चल के भाई? नहीं हम छोड़ के आए थे ना इसको तो इज्जत के साथ। हम लॉन्ग कट पे गए थे ना, सबको इज्जत के साथ छोड़ के। शॉर्टकट है ये, शॉर्टकट से वापस आ गई। अब ये चाहती क्या है? यहाँ रुको ना। तो ऐसा क्या लगा इसको यहाँ पे? खाना मिल रहा है, दो तरफ बिठा के बढ़िया से खाना मिल रहा है। क्या चाहिए?